नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपको स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरा साथ वरिष्ठ राजनीति वैज्ञानिक अध्यापक सुहास पालशिकर जी। नमस्ते। सुहास पालशिकर जी हम पुणे से जोड़ रहे हैं। सुहास जी धन्यवाद, आपका लेख पढ़ रहा हूं मैं इंडियन एक्सप्रेस में। आप लिखा ये बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद आपका भाषा, मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकप्रियता एकदम साफ हो गया, प्रमाण हो गया और ब्रांड मोदी आप जैसे कह रहे हैं सिर्फ केंद्र में नहीं राज्य में भी इनका प्रभाव सबके सामने आ गया। मगर साथ साथ में आपने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी के बाद यह पहला बार भारतवर्ष का पूरा राजनीति एक व्यक्ति केंद्रित हो गया, एक व्यक्ति के साथ पूरा सारे राजनीति एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन पर्सनलाइजेशन। तो अभी बात है, आपने लिखा कि इसका दो पहलू है, मोदी जी का बिना भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रियता कहां रहेगा, अगर पूरा एक राजनीतिक दल एक व्यक्ति के ऊपर उसका पूरा लोकप्रियता रहता, इसका मतलब एक पहलू और भी हो सकता है। तो ये बिहार का विधानसभा चुनाव के नजरिया से भारतवर्ष राजनीति में क्या असर पड़ रहा है, इस विषय के ऊपर आप कुछ कहिए। जी परंजय दा, पहली बात तो यह है कि इतनी बारीकी से कोई अखबार में आया हुआ लेख पढ़े और उसके बारे में पूछे, ये बहुत आनंद की बात है। आपने सही कहा है कि मैंने लेख के शुरुआत में ये कहा है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी पे एक प्रकार इसमें स्टैंप हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी सराहना कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वजह से जैसे मोदी जी के जो विरोधी लोग हैं उनको चिंता होना स्वाभाविक है, उसी तरह उनके जो समर्थक है, उनकी जो खुद की दल है भारतीय जनता पार्टी है, उसको भी चिंता होने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल हो गए और 5 साल यही हाल चलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी एक खोखला दल हो जाएगा। दिखने में बहुत बड़ा, पॉपुलैरिटी में भी काफी बड़ा, लेकिन ऐसी पॉपुलैरिटी कि जहां अगर एक नेता ने कुछ गलती की, एक नेता की पॉपुलैरिटी कम हो गई तो 10 साल में इस दल ने जो कमाया हुआ होगा वो सब खत्म होने को 10 महीने 10 दिन भी काफी हो जाएंगे, जो इंदिरा गांधी के बारे में हुआ था। और मैंने जो ब्रांड की बात की है वो इसीलिए की है कि ब्रांड का मतलब ये है कि एक पैकेजिंग है, लेकिन उस पैकेजिंग के अंदर क्या है ये अगर आपको पता नहीं है तो वो ब्रांड कुछ काम नहीं कर पाता है। तो सुहास जी आपने ये भी लिखा कि आसान से तो इस बार विधानसभा चुनाव तो नहीं जीता, एक समय लग रहे नहीं भी जीतने का एक संभावना है। बिहार के बारे में हम और भी बात करेंगे, मगर हम वापस आ जाते हैं। आपने लिखा है कि मोदी जी का जो जो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसका जो एक आज जहां पे आज वो है, जिस दिन इसका लोकप्रियता थोड़ा कमजोर लगेगा पार्टी के अंदर, उन्हीं के जो पार्टी के लोग जो आजकल सिर्फ उनसे जी हजूर बात कर रहे, और सिर्फ आपने नहीं लिखा, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्यों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भी जो लोग है वो भी अस्थिर हो जाएगा। इस तरह से एक पूरा राजनीतिक दल, एक सामाजिक संस्था, सब एक व्यक्ति के ऊपर इतना उनका निर्भरता बढ़ गया। वही प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से अब इसके आगे फेस करने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे वो राज्य चुनाव जीत हासिल करते जाएंगे, जैसे समझो उन्होंने अब बिहार है, उसके पहले उत्तर प्रदेश है, एक के बाद एक अगर स्टेट्स में भाजपा आ जाती है तो ये तो जाहिर है कि वहां कोई ना कोई तो उस राज्य का बड़ा नेता उभर के आगे आएगा। आज शिवराज सिंह चौहान है जिनको हाल में थोड़ा पीछे बिठाया गया है, नितिन गडकरी है जिनको पीछे बिठाया गया है,
अब इन नेताओं को आप कितनी देर तक पीछे बिठाएंगे, और ऐसा अगर होता है तो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी की हैसियत से कैसे काम करेगी? कांग्रेस और इंदिरा गांधी की तुलना इसीलिए है कि आज कांग्रेस के जो हाल हुए हैं उसकी जड़ 1970 से उन्होंने जो किया उसमें है। सुहास जी, आपका इंडियन एक्सप्रेस का लेख आपने पुराने चलचित्र बॉलीवुड का एक चलचित्र एक गाना से आपने शुरू किया, दिल से गए पटना फिर भी ना मिले सजना, ये आप क्यों लिखा है? इसके साथ आप क्या क्या तुलना कर सकते हैं, और आप क्यों ये गाने का ये लाइन आपने उल्लेख किया? एक तो उसमें मजे की बात ये है कि हम विचार रहा कौन सी, लेकिन एनालिसिस बहुत सीरियसली लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि एनालिसिस करते वक्त भी थोड़ा मजाक खुद पे भी दूसरों को भी आना चाहिए। लेकिन ये जो लाइन है उसके रेफरेंस आपको तो जाहिर है कि दिल्ली से गए पटना लेकिन नीतीश तो नहीं मिले। नीतीश का जो होना था वो तो हो ही गया। वो डबल इंजन की जो बात है उससे जुड़ा हुआ वो पंक्ति है। हम वापस आ रहे हैं आपके पास वो बिहार के बारे में, मगर उससे पहले हम थोड़ा बहुत ये भारतवर्ष का राजनीति के ऊपर एक, एक एक दो सवाल और उठा रहे। महाराष्ट्र में जब हुई थी उसके पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक, एक तरह से हमने देखा शिवसेना एनडीए से निकल गए, मगर बिहार के साथ तो आपने नहीं देखा। एक तरह से नीतीश कुमार तो अत्यंत कमजोर हो गए हैं, मगर वही बात हो गया कि एनडीए में अभी कौन बाकी रह गया? भारतीय जनता पार्टी एक नाम में ही एक है, आप कहेंगे एक गठबंधन एक कोलिशन, मगर सचमुच एक ही पार्टी है आज एनडीए में। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसके दो अगर हम स्टेप्स में स्टेजेस में देखें तो पहले तो उन्हें पार्टनर्स की जरूरत थी और वो एक के बाद एक सब लोगों से पार्टनरशिप करते रहे और वो पार्टनरशिप अच्छी चली। जैसे महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की पार्टनरशिप चली। एक जमाना था जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद कहा था कि ये कोएलिशन धर्म है, लेकिन अब दूसरा धर्म आ गया है उनके लिए। और मैं उनको इसके लिए बिल्कुल गलत नहीं समझता हूं कि उनको अकेले आगे जाना है, अकेले आगे बढ़ना है। और अगर वो अकेले आगे बढ़ना है तो ये जो पार्टनर्स उनके साथ है उनकी ताकत जितनी कम हो उतनी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र में वही हुआ और उसी की वजह से भाजपा और शिवसेना में झगड़ा हो गया। बिहार में वो नहीं हुआ झगड़ा, क्योंकि बिहार में झगड़ा तो पहले ही नीतीश कुमार ने उठाया था। नीतीश कुमार इतने तो चतुर है कि उनको ये पता चला ये गेम क्या चल रहा है, लेकिन फिर उन्होंने खुदकुशी कर दी और अब वो खुदकुशी जो है उसके नतीजे भुगत रहे हैं। हम आ रहे हैं आपके पास, नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारे सवाल है, मगर ये जो मुद्दे के बात होते हैं, लोग कह रहे थे क्यों आज भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड का जरूरत है। एक है कि एक तो है मुसलमान लोग है बहुत उसका बिहार में, मगर ये जो हिंदुत्व का जो नारा है, राम मंदिर का जो नारा है, जो मोदी जी बार बार उठाया, जो जो आपने चीन के साथ जो संघर्ष हुई थी लद्दाख का, ये सारे मुद्दा लोग सोच रहे थे बिहार में इसका असर इतना नहीं पड़ेगा। और जितने सारे मुद्दा जो तेजस्वी यादव उठाया और साथ साथ वाम दल भी उठाया, बेरोजगारी, प्रवासी मजदूर, ये जो आर्थिक विषय के ऊपर, ये ज्यादा लोगों के ऊपर, बिहार के लोगों के ऊपर ज्यादा एक असर पड़ेगा। तो इस बार जब आप बिहार का विधानसभा का विश्लेषण कर रहे हैं, कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण रहा और क्यों? देखिए कौन सा एक मुद्दा महत्वपूर्ण रहा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। तीन मुद्दे में आपको बता सकता हूं। एक तो नीतीश कुमार के बारे में नाराजगी, ये मुद्दा बिल्कुल रहा और उसका असर भी हुआ।
दूसरा मुद्दा जो रहा वो ये कि जो कुछ बुरा हुआ होगा प्रवासी मजदूरों के बारे में हो या और कोई पैंडेमिक के बारे में हो, वो राज्य सरकार की वजह से हुआ, लेकिन केंद्र ने जितना कुछ करना था वो किया, इस तरह का प्रचार वहां मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण रहा। और तीसरा आपने जो पहले उठाया वो मुद्दा है, बिहार और बाकी सारे राज्यों में भी एक प्रकार का कम्युनिटी का पोलराइजेशन होता जा रहा है, और ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं हो रहा है, हिंदुओं में भी कुछ जाति के लोग, ज्यादा करके उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको दिखता है, एक पार्टी के पीछे जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश और बिहार की जब हम बात करते हैं और ज्यादा करके बिहार की जब बात करते हैं, तो होता यह है कि जिसको हम ओबीसी कहते हैं उनका जो निचला तबका है, ओबीसी तो एक बड़ा समूह है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, उनमें भी जो दूसरा तबका है वो यादवों के साथ और लालू प्रसाद के साथ बहुत ज्यादा दिन तक रहा नहीं, 90 से लेकर 95 तक उनके साथ रहा, 95 के बाद आप देखेंगे तो ये जो लोअर ओबीसी जिनको अंग्रेजी में कहा जाता है, जो ओबीसी में भी ज्यादा बैकवर्ड है, वो आस्ते कदम लालू जी से अलग होने शुरू हो गए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी तक पूरे गए नहीं है, इसलिए उन्हें नीतीश कुमार और जेडीयू की जरूरत इस चुनाव में भी थी, इसके आगे शायद नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक मेरे ख्याल से सोशल इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण अहम मुद्दा रहा है कि ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, एकदम निचला नहीं लेकिन बैकवर्ड क्लासेस में जो ज्यादा बैकवर्ड है वो इकट्ठा करें, वो इकट्ठा करने की जरूरत यह है कि इनमें ज्यादा डायरेक्ट कॉन्फ्रेंटेशन नहीं है, जैसा यादवों में और भूमिहारों में होगा वैसा नहीं है। सुहास जी, आप बिहार के राजनीति एक जाति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि जाति महत्वपूर्ण नहीं है, जाति और जाति के साथ जो लोग हैं, तो सब लोग कहा कि बिहार में ये बहुत ही एक इसका बहुत ही बड़ा एक भूमिका है, फिर भी लोग कह रहे थे कि तेजस्वी जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से लोग लाखों लोग उनको सुनने के लिए आए थे, ये भी एक दिखाया कि जो आप अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये भी बिहार में जैसे पहले था थोड़ा कमजोर हो गए। आप लोग कहते हैं राजनीति कास्ट प्लस पॉलिटिक्स, कि जाति के साथ आप बेरोजगारी के बात कीजिए, शिक्षा के बात कीजिए, स्वास्थ्य के बात कीजिए, और बाकी सारे और भी मुद्दा आ जाता है। ये बिल्कुल सच बात है, और मेरे ख्याल से ये नीतीश कुमार ने पहले किया, जो आपने बात की कास्ट प्लस या डेवलपमेंट प्लस, ये प्लस वाला जो मामला है वो उनके ध्यान में आया था, और नीतीश कुमार सक्सेसफुल होने की एक वजह ये भी रही है। मेरे ख्याल से तेजस्वी जी नीतीश जी को चाचा कहते हैं, तो चाचा जी से उन्होंने ये सीखा है, और इस चुनाव में उन्होंने ये मुद्दा उठाया, और ये बहुत बढ़िया बात है और बड़ी बात है। ये मैंने दूसरे एक इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस में ही कहा है, और मैंने ये भी कहा है कि अपने पिता लालू जी के जो चुनावी और अन्य राजनीति है उसके एक कदम आगे जाने की हिम्मत तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में दिखाई है। वो हारे जीते ये बात अलग है, लेकिन ये हिम्मत दिखाना कि कुछ नई राजनीति करके देखेंगे, ये मेरे ख्याल से गणतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। सुहास जी, अभी चुनाव का नतीजा देखिए, जदयू जेडीयू 115 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, सिर्फ 43 मिला। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा किया, 2015 में आपका उनका 53 थे, 157 आसन से उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस बार 2020 में 121 विधानसभा क्षेत्र से, मगर उनका बढ़ गया नंबर, उसको 75 के आसपास है, 70% के आसपास वो हो जाता है। आप देखिए, अभी जो सवाल है, अब क्या सचमुच ये समझते हैं कि लोग जो भी कहते हैं कि हाँ हमारा कुछ भी हो, हम चिराग पासवान के साथ नहीं जाएंगे, लोग
जनशक्ति पार्टी को हम समर्थन नहीं करेंगे, वो अपने आप कर रहे हैं, और चिराग पासवान कह रहे हैं नहीं नहीं मैं मोदी जी को समर्थन करते हैं, हम नीतीश जी को कमजोर करने के लिए कहा। मगर ये तो साफ हो गया कि लोक जनशक्ति पार्टी जदयू को बहुत ही कमजोर कर दिया। कोई कहते कम से कम 25 विधानसभा चुनाव में हारा, लोग कहते इससे भी ज्यादा भी हो सकता है। तो ये क्या नीतीश जी को तो मालूम है, आप बाहर में कुछ भी कीजिए तो सबको मालूम है कि चिराग पासवान किसी को अनुमति नहीं लेके अपने आप किया, और मोदी जी तो चिराग पासवान का टिप्पणी नहीं किया। पास में नीतीश जी बैठे थे मगर मोदी जी एकदम खामोश थे। तो आप क्या समझते हैं सचमुच चिराग पासवान जो भी किया अपने आप किया, किसी का अनुमति नहीं लेके अपने आप ही? आप जो सवाल कर रहे हैं उसी में आपके मन में भी जवाब है, लोगों के मन में भी है, और लोगों के जबान पे भी जवाब है कि ये इतने आसानी से नहीं होता है। ये राजनीति वही है जो हम पहले से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड जो है उस दल को हम जितना कम रखे उतना अच्छा रहेगा, यही राजनीति भारतीय जनता पक्ष की रही, और उसी का ये हिस्सा है। चिराग पासवान ने जो किया उसी का हिस्सा है वो। अब ये कितना कॉन्स्पिरेसी है, दोनों ने बैठ के किया कि नहीं, कि ये नूरा कुश्ती थी, ये बातें तो अलग है। ये राजनीति के खुद जो एक्टर्स है, राजनीति में जो लोग है वही बता पाएंगे, और राजनीति में जो लोग है वो तो खुल के ये बताएंगे नहीं। तो ये तो हम समझ पाते हैं, सामान्य आदमी जो है, आम आदमी ये समझ पाएंगे कि ये क्या चल रहा है। मैं नीतीश जी के बारे में दो चार सवाल आपसे पूछूंगा, मैं उससे पहले तेजस्वी 31 साल है उनकी उम्र, एक समय नीतीश जी का सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे, आज अच्छा किया ये तो हमें कहना पड़ेगा, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है आपका RJD राष्ट्रीय जनता दल, और लोग कह रहे कांग्रेस को उन्होंने ज्यादा आसन दे दिया, 70 दे दिया, सिर्फ 14 इन्होंने जीता। दीपंकर भट्टाचार्य जो CPIML लिबरेशन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मला का जो 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 प्रवक्ता है, जो साधारण सचिव है, बोला हमें 50 मिलने से अच्छा होता था। तो आप क्या सचमुच समझते हैं कि कांग्रेस या महागठबंधन को एकदम नीचे गिरा दिया? क्योंकि कांग्रेस का कहना और कुछ है कि इस इलाके में वैसे हम लोग, हमारा कोई ताकत नहीं था, ये बहुत कठिन था ये सारे विधानसभा जीतने के लिए, फिर भी हम मान लिया। तो ये महागठबंधन के अंदर जिस तरह से उम्मीदवार खड़ा किया गया और सीट का जो बंटवारा हुआ था, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ कहिए। दो तीन चीजें मैं बताऊं आपको। पहली तो ये है कि जो हारते हैं चुनाव में अंतिमतः, कोई तो हारता है, तो हम विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी आदत ये रहती है कि जो हारा है उसकी सब बातें गलत है, ऐसा हम कह जाते हैं। मैं ये नहीं मानता हूं। दूसरी बात मेरी ये है कि जब आप इस तरह की राजनीति करते हैं जिसको हम कोएलिशन पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें बार्गेन तो रहता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, कुछ गलतियां होती है, कुछ नहीं होती है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और वो मेरे ख्याल से राजनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण है, कि कांग्रेस के वोटरों ने सचमुच में RJD के वोटरों को, और RJD के वोटरों ने सचमुच में कांग्रेस के वोटरों को वोट दिया है, लेकिन NDA में BJP के वोटरों ने जहां JDU के उम्मीदवार थे वहां इतने बड़े तादाद में JDU को वोट नहीं दिए हैं। ये आप तो बाद में पढ़ेंगे, जैसे जैसे विश्लेषण आएंगे तब ये बाकी डिटेल्स आप पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि यस, ये पॉसिबिलिटीज तो रहती है कि अगर ये सीट देते तो क्या होता, 10 सीट और नहीं देते तो क्या होता। ये बाद में जो हाइपोथेटिकल सवाल उठाए जाते हैं, वो कोएलिशन जिसको करना है, दीपंकर भट्टाचार्य हो या तेजस्वी हो, इनको ये तय करना होगा कि हमें सिर्फ BJP के अगेंस्ट बिहार में चुनाव हारना जीतना है, या भारत में BJP एक पार्टी ऐसी है जिसके खिलाफ हमें एक बड़ी तादाद पे बड़ी कोएलिशन खड़ी करना है। ठीक है, जब तक ये नहीं जाता है तब तक ये नहीं बंद हो जाएगा।
अच्छा सुहास जी, आप तेजस्वी यादव के बारे में कुछ कहिए। 31 साल है, 2-3 महीना पहले लोग कह रहे थे ये पूरा चुनाव एक तरफा है, फिर अचानक लोग देखा लाखों लोग तेजस्वी को सुनने के लिए आ रहे, बोला कि उसका पोस्टर में उनका पिताजी का नाम नहीं है, उनका माँ का नाम नहीं है, वो एक युवा राजनेता है जो जो एक नया दिशा दिखा रहा है और एक तरह से एक लहर आ रहे है, और सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे कि हाँ इस बार महागठबंधन का जीत होने वाले है। तो इस बार तेजस्वी यादव और उसका जो राजनीति, जिस तरह से वो राजनीतिक एक नेता बना, अभी 31 साल ही है, आप कैसे देख रहे हो उसका राजनीतिक भविष्य? भविष्य तो काफी है, लेकिन भूत में अगर हम जाएं तो पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में जिसको हम फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स कहते हैं, वो तो सब लोगों को मान्य है, उसको सम्मति है, लोगों की सम्मति है, विशेषज्ञ कुछ भी कहे, लोगों की उसको सम्मति है। और लालू जी कैद में है, जेल में है, तो ये जो एक भावनिक जुड़ाव है लालू जी के साथ बिहार के एक तबके का, उसका फायदा तेजस्वी को जरूर मिला है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह पिछले 3-4 साल में उन्होंने राजनीति सीख ली है, उससे मुझे ये लगता है कि बाकी कुछ हो ना हो, बिहार के राजनीति में तो वो लंबे रेस के घोड़े रहेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने तो तेजस्वी यादव का, आप कह रहे हैं उनका राजनीतिक भविष्य लंबा है, लंबा लंबा रास्ता है, लंबा दौर है। एक देखिए, उम्र उनके साइड पे है, बात सिर्फ इतनी है कि लालू जी के साथ वाले जो सीनियर पॉलिटिशियंस पार्टी में हैं, उनके साथ वो कैसे डील करें और नए लोगों को लेकर आगे कैसे जाए, ये उनके लिए चुनौती रहेगी। अभी नीतीश कुमार जी का राजनीतिक भविष्य के बारे में कहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण। लोग सोच रहे क्या हुआ, नीतीश जी का उम्र अभी 69 है, he was born on the 1st of March 1951, 91 साल। एक बार नहीं, 5 बार उन्होंने मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया, अभी छठा बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, समझ लीजिए वो बन जाते मुख्यमंत्री छठा बार, सब लोग जानते हैं वो तो कमजोर हो गए हैं। आप नीतीश जी का पूरा लंबा इतिहास आप जानते हैं, वाजपेयी सरकार, वीपी सिंह का सरकार, फिर लालू जी के साथ गठबंधन, फिर मोदी जी को टिप्पणी, फिर वापस मोदी जी के पास, इधर उधर हम जानते हैं। नीतीश जी का राजनीति कहाँ पे था आपातकालीन समय में, उसको जेल जाना पड़ा, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एक्ट। सवाल यह है, ये तो कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी कमजोर हो गए हैं। आप अगर नीतीश जी की चप्पल पहन रहे हैं इस वक्त, आप किस नजरिया से देखेंगे? आपके सामने बहुत सारे रास्ता है, एक तो है हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, सुशील मोदी सब लोग कह रहे हैं हम मान लिया आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर आज नहीं, आने वाले 5 साल, और सिर्फ बिहार में। एक समय नीतीश जी, लोग कह रहे थे वो पूरा भारतवर्ष का राजनीति में भी एक बहुत, उनका एक बड़ा भूमिका हो सकता है। तो नीतीश जी का राजनीतिक भविष्य क्या आप देख रहे हैं, और आप क्या लग रहे हैं नीतीश जी क्या करने वाले हैं आने वाले कुछ हफ्ते में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? देखिए, किसी भी नेता को खुद को रीडिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, और एक तरीके से नीतीश जी ने खुद को इतनी बार रीडिफाइन किया है कि अब उनको रीडिफाइन करने के लिए स्कोप बहुत कम बचा है। जैसे आपने कहा, इमरजेंसी के दौर से चली हुई एक राजनीति है, मेरे ख्याल से एक ऐसे पड़ाव पे वो आ गए हैं कि जहां वो राजनीति अब खत्म होने वाली है। वो मुख्यमंत्री तो बनेंगे शायद 6 महीने के बाद बीजेपी कहेंगे कि अब बस हो गया जी, आप अब हमें चांस दीजिए, या ये भी हो सकता है कि वो खुद हाथ जोड़ के कहेंगे कि हमारी पार्टी हार गई है तो मुझे आप दिल्ली में बिठाइए और यहाँ दूसरा किसी को बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाइए। ये दूसरा रास्ता भी उनके लिए हो सकता है, जो उनके लिए रिस्पेक्टेबल रास्ता रहेगा, क्योंकि अब शैडो मुख्यमंत्री बनने की बजाय अगर वो ये कहते हैं कि मैं नहीं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं तत्व का आदमी हूँ, प्रिंसिपल वाला आदमी हूँ,
हमारी पार्टी हार गई है, मुझे दिल्ली में आपको करना है, कुछ करो, यहाँ आप मुख्यमंत्री बन लीजिए। और तीसरी एक मिनट, एकदम अच्छा ठीक है, आप खत्म कीजिए, मैं सवाल खत्म। एकदम रेवोल्यूशनरी भूमिका ये भी वो ले सकते हैं कि मैं राजकारण से, राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, क्योंकि मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार गलतियां की हैं, ये तो हमारी राजनीति में कोई करता नहीं है। अगर वो ये कहें तो आज फिर भी उनका जो पॉलिटिकल क्या कहेंगे शेयर है वो एकदम ऊपर उठ जाएगा। आप क्या एक ये संभावना देख रहे कि नीतीश जी कह रहे हैं ठीक है मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो जदयू क्या एनडीए के साथ रह जाएगा या इंडिया से निकल जाएंगे, ये भी कुछ संभावना है। वही दिक्कत है उनके लिए कि अगर वो मुख्यमंत्री ना बने तो जेडीयू का क्या होगा, और जेडीयू के इतने सारे जो लोग आए हैं चुन के, जिनको लगता है कि वो अब मंत्री बनेंगे, उनका क्या होगा। दैट इज हिज कंपल्शन, वो अपने खुद ने बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। मैं नहीं, आपने पूछा आप उनके चप्पल पहनते हो तो क्या कहेंगे करेंगे, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं समझता हूं कि कोई उनकी चप्पल पहनना आज चाहेगा। ओके, तो आने वाले हफ्तों में मैं समझता हूं ये कहानी खत्म नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से कांटे का टक्कर, जिस तरह से एक सस्पेंस थ्रिलर चल रहे थे, मैं ठीक कह रहा हूं कि कहानी आजकल परंजय जी आजकल भोजपुरी सिनेमा की चलती है, और मुझे लगता है कि अभी भी इतना नैरो मार्जिन है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, और अगर वो कुछ भी कभी होता है तो बिहार का ये जो पिछले दो दिन से चला हुआ सिनेमा है वो सिनेमा और आगे चलेगा। मतलब ये एक तरह से सीरियल बन जाएगा, ये सिर्फ एक अंक होगा, एक और अंक आने वाले है। इसका मतलब आप जो कह रहे हैं ये कहानी खत्म नहीं हुई है, और शायद बिहार में राजनीतिक अस्थिरता चलेगा कुछ दिन और। अस्थिरता आज नहीं आएगी, शायद एक साल बाद आएगी। तो समय बताएंगे। सुहास जी, आपने आपका कीमती समय न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया। बिहार का राजनीति, भारतवर्ष का राजनीति आप अच्छी तरह समझते हैं, आप बारीकी से इसका विश्लेषण किया। एक बार और आपको मैं नमस्कार दे रहा हूं, और न्यूज क्लिक का दर्शक को मैं कहना चाहता हूं आप देखते रहिए न्यूज क्लिक। Thank you.